हेलो दोस्तों, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चने दाल की तड़का की रेसिपी लेकर आए हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका स्वाद बिल्कुल ढाबे वाली तड़का की तरह होता है। हम जब भी बाहर ढाबे या रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो दाल फ्राई तड़का जरूर ऑर्डर करते हैं। आज हम वही ढाबे वाली टेस्ट वाली दाल फ्राई तड़का घर पर ही बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए इस दाल फ्राई तड़का को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक कप चने दाल को अच्छी तरह से धोकर उसे आधे घंटे के लिए पानी में भिंगो कर रख दिया था। आधे घंटे बाद दाल हमारा फूल गया है। चने दाल की तड़का को हम कुकर में बनाएंगे। मैंने यहाँ कुकर को गर्म कर लिया है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जितना मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं या फिर घी में भी बना सकते हैं। अब यहाँ हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी से तड़का का स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो आप घी ज़रूर डालें। यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 1 बड़ी इलायची को मैंने खोल कर ले लिया है। दालचीनी, 2 लौंग, 1 टीस्पून जीरा, 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च लिया है। इन सारी चीज़ों को हम तेल में डाल देंगे जीरा चटकने तक या फिर कुछ सेकेंड इसे पका लेंगे, जिससे सारा मसाला अपना फ्लेवर तेल में छोड़ दे। मैंने 1/2 टीस्पून हींग डाला है। मैंने यहाँ लहसुन अदरक को बारीक काट कर ले लिया है, इसे डाल देंगे। आप चाहे तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तड़का में बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज के प्याज को लंबा लंबा काट लिया है, इसे इसमें डाल देंगे और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे। मैंने यहाँ फ्लेम को मीडियम कर दिया है। प्याज को हमने फ्राई कर लिया है, इसका कलर हल्का चेंज हो गया है। अब यहाँ हम टमाटर डालेंगे। मैंने यहाँ 1 बड़े साइज के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर को हम 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। टमाटर यहाँ सॉफ्ट हो गया है, इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून डाला है। इन सारे मसालों को अच्छी तरह चलाते हुए मिला लेंगे। मैंने यहाँ 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। तीखा आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही मसाले थोड़े भून जाए अब इसमें हम डाल देंगे भिगोया हुआ दाल। दाल को मैंने पानी से छान लिया था। दाल डालने के बाद हम क्या करेंगे, दाल को भी हम थोड़ी देर मसालों के साथ भून लेंगे। यहाँ हम फ्लेम को लो कर देंगे, नहीं तो दाल कुकर में चिपकने लगेगा। दाल को यहाँ मैंने थोड़ी देर भून लिया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। नमक को भी हम अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने यहाँ 1 कप चने दाल लिया है, तो उस हिसाब से हम 2.5 कप पानी डालेंगे। आप तड़के को जैसा रखना चाहे, पतला या गाढ़ा, अपने हिसाब से पानी डालें। पानी डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। हाई फ्लेम में 1 सीटी आने तक पकाएंगे। 1 सीटी आ जाने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम में हम 10 से 12 मिनट और पका लेंगे। प्रेशर खुलने तक इसे ठंडा होने देंगे। प्रेशर ख़त्म हो गया है, अब हम ढक्कन को खोल कर देखते हैं। यहाँ दाल हमारा रेडी हो गया है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे। आपको दाल ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप इसमें उबला पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं। देखिए दाल हमारी कितनी अच्छी तरह से पक गई है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने दाल को दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब हम दाल में तड़का लगा लेते हैं। मैंने गैस पर एक कलछी रखा है। कलछी में मैंने 3 से 4 चम्मच घी डाला है। घी जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच हींग डालेंगे और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इसे हम 1 चम्मच से चला लेंगे। तड़का हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम दाल में डाल देते हैं। तड़के में मैंने प्याज और कुछ अदरक के टुकड़े डाले हैं। अब देखिए हमारा तड़का तैयार है। अब हमारा बहुत ही टेस्टी मज़ेदार दाल फ्राई तड़का तैयार हो गया है।
इस तड़के को आप गर्मा गर्म जीरा राइस के साथ सर्व करें या फिर आप प्लेन राइस या रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप इस दाल फ्राई को ज़रूर ट्राई करें। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।